अच्छा खुला हुआ है। अच्छा पहले तो बताइए भाजपा ने हमें क्या सुविधाएं दी? अच्छा बंगला, अच्छा बता, नहीं नहीं अच्छा बंगला, अच्छा बंगले की बात के ऊपर आरोप लगता है? नहीं नहीं अच्छा बंगला, हमें कितना सीनियर हैं, दो बार मंत्री भी रह चुके हैं, लगातार एमएलए हैं, लगातार 30 साल से हम चेयरमैन हैं, रहे हैं चेयरमैन, हमसे सीनियर कौन है? तो हमें तो देखिए बंगला तो एक देना ही था, चलिए थोड़ा सा अच्छा बताइए, अरे थोड़ा मेरी भी तो सुन लो ना, मेरी भी तो सुन लो। अच्छा देखिए, अच्छा देखिए बैलू का जहाँ तक सवाल है, सवाल है राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के हम चाचा हैं, अब सामने अब पढ़ेंगे तो हमारे तो फिर तो सम्मान देना ही पड़ेगा, हैं चलिए वो तो देना ही पड़ेगा। हैं अच्छा आपने कैसे समझा है आपको तो डेडलाइन खत्म हो गई, आपने 12 तारीख की डेडलाइन दिया था, आज शायद 22 तारीख होगी, 10 दिन बीत गए। देखिए देखिए राजनीति का सम्मान नहीं कर रहे चाचा, तब तक उनके पीछे सम्मान। देखिए देखिए राजनीति में कभी संभावनाएं खत्म नहीं करना चाहिए, हैं ये तो देखिए देखिए संभावनाएं खत्म नहीं करना चाहिए हैं, और फिर अच्छा ये तो हमारी रणनीति का हिस्सा है, अब रणनीति आपको कैसे हम बता देंगे, रणनीति तो हम नहीं बता सकते आपको। सेकुलर पार्टियों से मैंने कहा है, सेकुलर पार्टी कांग्रेस भी हो सकती है, जो भी आप समझो सेकुलर पार्टी है तो सेकुलर पार्टी है, समान विचारधारा के लोग हैं। मैंने तो हमेशा कहा है गांधी लोहिया वादी लोग हैं, चौधरी चरण सिंह वादी लोग हैं, इनको सबको हमें इकट्ठा करने की कोशिश। अच्छा अखिलेश जी लगातार आप लगातार उनसे प्रस्ताव रखा है, साथ नहीं आ रहे, क्या उनको नुकसान हो जाएगा अगर वो आपके साथ नहीं रहेंगे चुनाव में? अब तो देखिए मेरी समझ में तो उनको बहुत फायदा हो जाएगा, आपके साथ नहीं आएंगे तो नुकसान होगा। हाँ हमारे पास साथ आना चाहिए, अगर जरा सा भी उनमें सोचने समझने और जो भी जमीनी हरकत को जानना चाहें तो फिर बिल्कुल साथ आ जाए। नेताजी भी आपके संरक्षक के रूप में हैं, अगर आप निकले हैं अभी तक की परिवर्तन यात्रा में आपको क्या कुछ देखने को मिला है सामने? देखिए परिवर्तन यात्रा में अभी तक हम दर्जनों जिलों का जा चुके हैं, संपर्क किया है, वहाँ की समस्याएं मैंने समझी हैं, अब जनता पूरी तरह से परिवर्तन चाहती है, जनता पूरी तरह से, और समय समय जनता ने देखिए ऐसे परिवर्तन किए भी हैं, तो मुझे तो पूरा भरोसा है 2022 के चुनाव में निश्चित यहाँ सत्ता का परिवर्तन होगा है, होना है, और जहाँ पर भी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी जिस अलायंस में होगी सरकार वहीं होगी। आपको क्यों लगता है कि गठबंधन? अब देखिए करना चाहिए हैं, तो अभी हम गए थे तो उनको तुरंत उस पर पर्दाफाश करना चाहिए, पानी का पानी दूध का दूध, उस पर तुरंत CBI सबको तुरंत करना चाहिए, तो ये तो सरकार का काम है, हम भी मांग करते हैं भाई उसमें पर्दाफाश करना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी शीघ्र होना चाहिए। नेताजी के आदेश से हमने अपनी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी सरकार बनाई और नेताजी से मैंने आशीर्वाद लिया और हमेशा आशीर्वाद भी है, अगर नेताजी की बात न मानी गई तो नेताजी हमारा प्रचार करेंगे।